Olfe, ¿oye? Elio, Olfe, ¿tú oye? Olfe, ¿tú y tú hago? ¿Qué monta el oye? Hola, le pilla. ¿Cómo andas al ticket por qué parte? ¿Qué chuti es? ¡Oh, putni vale! ¡Eh, putni vale! ¡Oh, putni vale! ¡Abe, nada, me da! ¡Te doy un dos, tú te malo, que te salte! ¡Ya, boludo! ¡Pas que pilla! ¡Tu madre! ¡Tú me copé tú! ¡Mira, tu lengua le pena! ¡Hola, alma! ¡Qué lie! ¡Sí! ¡Tu lengua le copé tu madre! तो हेलो गाइस, कैसे सब लोग, इसी के साथ हम आ गए जो और एक नई गेम प्ले के पबजी मोबाइल का ऑब्वियसली। और पहले जो साउंड क्लिप सुनाया भाई, ये मेरा उस आईडी से खेल रहा, मतलब मेरा दूसरा आईडी से खेल रहा था, और दूसरा आईडी का ये साउंड रिकॉर्ड है जो मैंने पहले सुनाया, कि मेरे को सही लगा सुनाने में कि भाई ये सुनाने में मजा आएगा आप लोगों को भी, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आया था मैं जब सुना था ना ये, तो भाई ये आवाज कैसा है भाई, बच्चे जैसा, मेरे को तो बहुत ही पसंद है। अगर मजा आया तुम लोगों को सुन के तो एक लाइक कर देना। और इतने में ना हमारे सामने कंटनार पे एक फुल स्क्वाड उतर जाती है और उनको पकड़ के पेल देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं जैसे दो को नॉक करता हूँ ना, मेरा टीममेट भाई बोलता है कि मेरी गन के एमओ ही खत्म। तो भाई उसके लिए क्या वेट किया भाई, मेरे को तो लग रहा था ना कि घुस जाओ, लेकिन भाई क्या करे, तो मेरे टीममेट को बोल दिया कि भाई यहाँ पे बैरल है ले लो, और जल्दी से उसके लिए कुछ एमओ ड्रॉप किया और एमओ ड्रॉप करके फुल राइट से फ्लैंक किया। और उसके बाद आप लोग देख लो, मजा आ जाएगा भाई। यहाँ पे एक बंदे का सीन देखना बस, उस बंदे का इतना हालत खराब था ना भाई, वो चल नहीं पा रहा था ठीक से। पर जैसे एक बंदे को नॉक किया, मेरा टीममेट बताते कि सामने और एक बंदा है, तो भाई इन लोगों का हालत ना बहुत खराब था भाई, देखो इस बंदे को। और इसी के साथ जैसे हमको गन मिलता है, हम लोग घुस के भाई ये फुल स्क्वाड को पेल था, और इन लोगों का किस्मत ना बहुत खराब था भाई, उस बंदे को देख के बहुत दया आ रहा था भाई, कैसे चल रहा था वो, ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन उसको मार दिया, क्या करें। और इसी के साथ दो दो फ्री बॉट का किल मिलता है भाई। देखो अब जब फुल स्क्वाड मारोगे ना, तो एक नहीं दो दो फ्री का बॉट का किल आपको देना ही चाहिए। और आजकल लूट जॉर्ज पुल में इतना कम मिल रहा है, और उसी के साथ जॉर्ज पुल में एक स्क्वाड आया था, ठीक है, मतलब भाई सिटी में जा रहा है दो तीन स्कोर, जॉर्ज पुल आ रहा है एक स्कोर, मतलब फिर से भाई देखो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो इसलिए सभी रैंक पुश कर रहे हैं आजकल। और उसके बाद हम लोग आ गए थ्री और इसके साथ लूटते लूटते, और इधर साइड मैं लूट ही रहा था, इतने में मेरे को दिखता है बंदे जो आ रहा था, मतलब ये चार लोग थे और आ रहे थे ये लोग सिटी से, मतलब सिटी लूट के आ रहे थे जॉर्ज पुल, ये सोच रहे थे कि हमारा थाट पटी करेगा, इधर बंदे होंगे इनको मार के सारा जॉर्ज पुल का लूट उनका होगा। लेकिन भाई उनमें से एक बंदा कर देता है गलती, और एक बंदा जैसे क्लोज इन कर देता ना, उसको तो नॉक नहीं कर पाता, लेकिन उसके वजह से उसका सारे टीममेट एक के बाद एक मर जाता है उसको बचाने के चक्कर में। और इसी के साथ जैसे ही यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ जो सबसे पहले क्लोज इन कर गया था, और उसको बचाने के चक्कर में इसका और एक बंदे को मेरा टीममेट नॉक कर देता है, और जैसे नॉक करता है और दो बंदे बचे होते हैं, तो भाई देखो अब तो घुसना बनता ही था, मतलब अब नहीं घुसेंगे तो कभी नहीं घुस पाएंगे भाई, क्योंकि दो नॉक है और दो ही बचे हैं। तो देख लिया एक बंदे को बचाने के चक्कर में पूरा स्क्वाड ही मर गया, मतलब एक बंदा जो सबसे पहले आया था, ये बंदा ना तो घुस पाया अंदर जॉर्ज पुल के, ना तो भाई ज्यादा बाहर है, मतलब इस बंदे के ना डिप्रेशन कुछ ऐसा हो गया था, ये ना इसको ना पीछे से बॉट मार रहा था तो ये फंस गए थे। और उसके बाद हमने भाई आके पेल दिया, सबको पेल दिया, और उसके बाद जॉर्ज पुल क्लियर कर दिया। देन हम हमारी कार लेके निकल गए यहाँ से, और हमको पता नहीं था, देखो बंदे बहुत कम थे, लेकिन
जो फाइट होता है ना भाई, बहुत फाइट होता है, देखने लगे मतलब मजा आ जाएगा। और इतने में हम ये स्क्वाड उसके पास से जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वाड आ चुके थे। ये लोग भाई क्या स्प्रे देता है कार पे, मैं तो सीधा घुमा लेता हूँ डाउन रेंज, लेकिन उसके बाद मेरा टीममेट एक को नॉक करता है। फिर भी भाई हम लोग इन पे रश नहीं करता है, क्योंकि ये लोग ऐसी जगह पे थे ना, देखो वो जो स्क्वाड हाउस है वो एक खुला एरिया में है, तो हम लोग अगर जाएंगे तो बहुत, अगर कार से भी जाए ना तो बहुत शॉर्ट पड़ेगा, और ये लोग अच्छा डैमेज दे रहे थे। तो हम लोग किधर से भाई पहली फुर्सत में निकल गए, कहीं और जाके हमारी स्ट्रॉबेरी दुनिया बसा लिया। और इसी के साथ हम वहाँ से निकल भी जाता है और आ जाता है एक सिंपल ड्रॉप पे, लेकिन ये ड्रॉप भाई पहले से लूट हुआ था, तो भाई हमने छोड़ दिया इसको और आगे चले गए। और इतने में ना सामने कंपाउंड में दिखते हैं एक कार, तो हमको लग रहा था कि वहाँ पे बंदे होंगे, लेकिन वहाँ पे बंदे नहीं थे, बंदे थे इसी रीच पे ऊपर की तरफ फाइट कर रहे। तो भाई देखो जब फाइट हो रहा है तो हमारी स्ट्रॉबेरी दुनिया लेके ना हम ए पे आ गए। मैंने ना यहाँ पे स्कोप स्विच करने के चक्कर में एक किल हाथ से गवा दिया भाई, मैं उसको रेड डॉट से नॉक कर देता। नहीं, मेरे को अलग ही चूल था भाई कि मेरे को 4x से ही उसको नॉक करना है। लो मेरा टीममेट पकड़ के उसको नॉक कर दिया और किल भी मेरा टीममेट को ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका और एक बंदा होता है जो इसको देख के ना पहली फुर्सत में अपने टीममेट की तरफ भाग जाते हैं, तो इसी के साथ इनका और एक टीममेट पीछे से बैकअप दे रहा था, उसको नॉक कर दिया। और अब उसका बारी है, जो भागेगा भाई वो जान लेके भागता है, उसको कितना डैमेज देने की कोशिश करता हूँ भाई, 2-4 डैमेज भी पड़ता है, लेकिन वो बेचारा भाग जाता है। और उसके बाद हम लोग क्लोज इन कर देते हैं, और जब क्लोज इन करते हैं इसके बाद से फाइट भाई एक के बाद एक कार आई जाते हैं। और देखना इधर पे भाई 4-5-6 कितना कार आते हैं, कितने स्क्वाड आते हैं। अब जितने भी बंदे बचे होंगे ना सारे यहीं पे आएंगे, यहीं पे लड़ेंगे, सारे यहीं पे मारेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग घुस तो जाते हैं, हम लोग रश कर देते हैं, लेकिन इसमें से एक बंदा मतलब ये स्क्वाड का एक बंदा ये घर पे पहले से होल्ड कर रहा था, तो उसका डर लग रहा था कि ये भाई कैसे हमको मार ना दे, तो घर चेक कर रहा था कि ये बंदा है तो है कहाँ पे। और इसी के साथ ये स्क्वाड का अब आखिरी बंदे बचे होते हैं। भाई ये जो आखिरी बंदा होता है ना भाई, ये मेरे सामने होता है, लेकिन मैं इसको देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि इसके पास गिली सूट था। तो अब देखो मैं नेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सामने पत्थर पे, क्योंकि मैंने अभी अभी जिसको नॉक किया है वो सामने पत्थर पे है। और पता नहीं भाई ये न्याय ग्लीच आया है क्या आया है, मेरे को पता नहीं भाई। मैं नेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही 2-3 सेकेंड नेट कुक हो रहा है ना, फिर से भाई नेट हाथ से अपने आप छूट जा रहा है यार। पता नहीं भाई ये ग्लिच क्यों होता है कभी कभी पबजी में, बहुत ग्लिच आता है। तो उसके बाद देखो मैं हिल गया, उसके बाद और एक नेट करने की कोशिश किया, लेकिन ये भी हाथ से नहीं, भाई अपने आप नेट छोड़ रहा है हाथ से। भाई क्या करे, बहुत किस्मत जब खराब होता है ना तब सब कुछ एक साथ होता है। और उसके बाद एक मॉली भी किया इसको, लेकिन भाई घंटा फर्क नहीं पड़ा इसको। और उसके बाद इसका जो आखिरी टीममेट था पीछे कवर ले रहा था, वो जब वो मतलब ये बंदा जिस तरफ से कवर ले रहा था ना, ये मेरे टीममेट की तरफ से कवर था, लेकिन मेरे तरफ से कवर नहीं था इसके पास, तो उसको मार दिया। और इतने में हमारी तरफ एक सिंपल ड्रॉप आता है,
और वो ड्रॉप लेने के चक्कर में यहाँ पे कितना भसर होती है ना भाई, मजा आ जाएगा। और जैसे कि मैं बोला था भाई, यहाँ पे गंदा फसल मच जाती है। और उसके बाद मैंने भी भाई बहुत किल उठा लिया यहाँ से। और उसके बाद अब मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सामने अब ज़्यादा से ज़्यादा दो या तो तीन बंदे होंगे, ज़्यादा बंदे नहीं होंगे। और मैं और मेरा टीममेट मिलकर रश भी कर देते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जितने बंदे थे, मतलब ये फुल सर्वर में, ये पूरे सर्वर में जितने भी बंदे थे, हमने सबको पेल दिया भाई। हमने जब वो स्क्वाड हाउस से फाइट नहीं लेके निकल गया ना वहां से, तभी हमारे गेम पलट गया था। मतलब हमारा किस्मत तभी चमक गया था कि तुम लोग कुछ उखाड़ लोगे बेटा जिंदगी में, और ये चिकन डिनर अब हमको ही मिलने वाला है। क्योंकि अब एक आखिरी बंदे बचे होते हैं जिसको ढूंढने के लिए हम कार लेके निकल गए यहाँ से। और देखो मैं ऊपर से जा रहा हूँ, हम लोग ऊपर से ढूंढते हुए जा रहा है, लेकिन ये बंदा ना ऊपर ही होता है, एक पेड़ के पीछे चुपके कवर लेके रहता है। और उसके बाद हम लोग इसको ना कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। ये सामने एक छोटा सा सैक होता है, इसके अंदर भी चेक किया, यहाँ पे नहीं था, लेकिन आखिर में बंदा ऊपर ही था। और देखो इसको भाई कितना कम डैमेज में मैंने मार दिया। और इसी के साथ चिकन मिल गए हमको। और भाई मैंने ना जानबूझ के कार नीचे रुकाया था, क्योंकि ये किल जो है मेरे को चाहिए था। और यहाँ पे देखो मेरा 16 किल है, मेरा डैमेज ज्यादा है, फिर भी MVP हुआ है, मेरा टीममेट के पास है भाई, क्या ही बोले यार। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।